नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दर्शकों, आप भी जान सकते हैं पंडित जी से अपनी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आज के आपके राशिफल। गुलक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी का माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे हनुमान जी महाराज की साधना के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने लगभग हर एफर्ट्स में सक्सेस हो सकते हैं। दूसरे जो लोग हैं, आज आपकी क्षमता से, दक्षता से प्रभावित रहेंगे। करियर से जुड़ी चिंता आज खत्म हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बात कहने और सुनने में स्पष्टता रखनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की प्लानिंग कीजिएगा। उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन विचारों से अपने आप को दूर रखिएगा जो आपके लिए हर्डल्स बन रही हो, बाधा बन रहे हो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशंस में बदलाव हो रहा है, तो उन बदलती हुई जो सिचुएशंस हैं उनके साथ अपने को भी बदलने का प्रयास कीजिएगा। रिश्तों में कभी कभी दूसरों का नजरिया भी देखना चाहिए। निश्चित तौर पर अपने आइडियाज़ को आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाइए। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जय नारायण जी हैं श्रीगंगानगर से, जो कि अपने बेटे सुनील के लिए जानना चाहते हैं। सुनील की जन्म की तारीख है 15/12/1990 और जन्म का समय सुबह का 4:15 का। जय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी, आपसे मैं कई बार बात कर चुका हूँ, गौ सेवा नियमित रूप से करता हूँ, तो आपकी आशीर्वाद से बेटे का प्री पेपर पास हो गया बैंक का। बहुत बहुत बधाई है आपको। तो जी, अपनी ही राजधानी जयपुर में 25 तारीख को पेपर है, दूसरा पेपर, मेन पेपर। जी जी। तो बच्चा आपसे मिलने भी जाता है 24 तारीख को आएगा। जरूर, मोस्ट वेलकम। आपके नंबर भी मैडम ने बोल दिया, नंबर दे देंगे। आप आशीर्वाद दीजिए, मेन पेपर भी उसका क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए जयनारायण जी, बच्चे सुनील की जन्म कुंडली में वैसे भी हमने जो आपको बताया कि इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके नौकरी व्यापार के घर में बैठे हैं, और बच्चे अगर मेहनत के साथ सफलता हासिल करें तो माता पिता और गुरुओं को तो सबको खुशी ही मिलती है, और हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्चे के साथ में। निश्चित तौर पर एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, एक बड़ा सरकारी अफसर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीच का चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोहे का छल्ला इसके मध्यमा उंगली में डाल दीजिएगा, एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर के शनिवार के दिन ये बच्चा उस तेल में अपने चेहरे की परछाई देखे, फिर आप वो तेल ले जाके शनि मंदिर में किसी भी मिट्टी के दीपक में जला दीजिएगा। ये एक सरल सा उपाय और कीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा, और जब भी जयपुर आए बच्चा तो हमसे अगर मुलाकात करता है तो हम निश्चित तौर पर इस बच्चों को आशीर्वाद देंगे। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंहों और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है, एक पॉजिटिव डे है। फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए प्लानिंग बनाइएगा आज, और इम्पोर्टेंट जो भी काम है उनके लिए आज से ही एफर्ट्स उठाना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी है, आर्थिक स्थिति जिसको हम कहते हैं, वो और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। दूसरों से विचार विमर्श करें, किंतु अपने विचारों को भी महत्व दें, बहुत ज़्यादा डावाडोल मत होइए।
अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अब तक आपको कमी रही है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जहाँ तक संभव हो अपनी सोच, अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाए रखिएगा। दूसरों से उम्मीद उतनी ही रखें जितनी ही प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। व्यर्थ की चिंताएं मत कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर हमारे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मेल ले नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे पास एक मेल आया था जयपुर से रौनक जी का, जिनकी जन्म की तारीख है 28/1/1988 और उनके जन्म का समय है शाम का 6:28 का। एक्चुअली पंडित जी ये जानना चाहते थे कि मूव ऑन करना चाहते हैं बाहर, व्यापार के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो इनके लिए ठीक होगा भविष्य में और नहीं होगा, ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए बेटा, रौनक आपकी जन्म कुंडली में राहु की 18 साल की महादशा चल रही है और उसमें भी स्पेशली यू आर पासिंग फ्रॉम वेरी नेगेटिव टाइमिंग। ग्रहण योग बोलते हैं, राहु में सूर्य का ग्रहण योग है, 25 अगस्त को ख़त्म होगा। उसके बाद राहु में चंद्रमा शुरू होगा जिसको चंद्र ग्रहण योग बोलते हैं, 2018 में ख़त्म होगा। मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि अभी 2 साल आप विदेश जाने का प्लान मत कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो काफ़ी हर्डल्स वाला है। अगर यहाँ से सब कुछ चेंज करके आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सक्सेस मिलना डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है। राहु गुरु जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो चंडाल योग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर को फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर विदेश जाने का प्लान कर भी रहे हैं तो आपको 2018 के बाद प्लान करना है। उपाय के तौर पे जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, एक तो कालसर्प दोष की पूजा करवा लीजिएगा, उज्जैन चले जाइए, सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। राहु की शांति के लिए गोमेत्र रत्न मध्यमा उंगली के अंदर 7.25 रत्ती का चांदी में संडे के दिन उसको धारण कर लीजिए और नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करें, दाल की कचौरी दही मर्थी चढ़ाएं। सरल से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।